नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के संदर्भ में विभिन्न अपडेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज़ नोटिफिकेशंस दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन के अंतर्गत हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 प्रेस नोट 103, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 मास्टर क्वेश्चन पेपर 103, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 फर्स्ट आंसर की 103, GEN 2020 कंप्यूटर 2021 सिलेबस, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 सिलेबस एवं GEN 2020 के संदर्भ में विभिन्न अपडेट्स यहां जारी किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के प्रेस नोट के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 24/9/2021 को यह प्रेस नोट जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा दिनांक 18/9/2021 को आयोजित कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 परीक्षा कोड 103 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 27/9/2021 समय 1 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 29/9/2021 समय 23:59 मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मास्टर प्रश्न पत्र है जारी कर दिया गया है और इसकी जो उत्तर कुंजी है उसके संदर्भ में जो आपत्तियाँ हैं आमंत्रित की गई हैं। आपत्तियाँ हम 27/9/2021 से 29/9/2021 तक दर्ज करा सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक में सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रकार के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। आपत्ति का प्रत्येक जो आपत्ति होगी उस पर ₹100 का जो शुल्क है निर्धारित किया गया है और SSO ID के माध्यम से हम अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं जारी किए गए हैं। अब बात करेंगे हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 मास्टर क्वेश्चन पेपर के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ 103 जो पेपर है मास्टर की जारी की गई है। तो यहाँ प्रश्न पत्र दिया गया है। इस प्रश्न पत्र का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन है 100। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 फर्स्ट आंसर की 103 दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। परीक्षा का दिनांक दे रखा 18/9/2021, परीक्षा का नाम एवं कोड कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 103, प्रारंभिक उत्तर कुंजी।
तो इसके जो आंसर दिए गए हैं, पहले मास्टर पेपर ध्यान में रखना है, उसके पश्चात आंसर की, फिर अपना जो प्रश्न पत्र है उसके अनुसार क्रमवाइज से जो प्रश्न हैं उनके आंसर हैं हमें चेक करने होंगे। JEN 2020 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 24/9/2021 कार्यालय आदेश। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत निम्न अभ्यर्थियों द्वारा उनके सामने उल्लेखित दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें प्रोविजनल रखा गया है। NT, नॉन TSP एंड TSP। रोल नंबर, नेम एंड रिमार्क किया गया है, इन दस्तावेजों की जो कमी है वो पाई गई है। दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए जो समय दिया गया है 4/10/2021 तक का समय दिया गया है। इसके पश्चात समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। कंप्यूटर 2021 सिलेबस दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। पार्ट ए जनरल नॉलेज, पार्ट बी स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। इस PDF फाइल का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेबस दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम। प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। पाठ्यक्रम सिलेबस के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे। सामयिक विषय, जिसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिकी सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा खेलकूद। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएँ, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं खनिज, वन भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास, जिसमें राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, वृहत उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, इतिहास और संस्कृति में राजस्थान की जो साहित्य कृतियां हैं मुख्य स्मारक है, इतिहास और संस्कृति को विशेष स्थान यहाँ दिया गया है। साधारण मानसिक योग्यता है, तर्क शक्ति है और विश्लेषणात्मक योग्यता है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आदि महत्वपूर्ण तथ्यों को सिलेबस में शामिल किया गया है। तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसी तरह JEN 2020 शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल लिस्ट को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, प्रेस नोट फॉर एग्जाम JEN सिविल डिग्री 102, मास्टर क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जाम JEN सिविल डिग्री 102, फर्स्ट आंसर की ऑफ एग्जाम JEN सिविल डिग्री 102 से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश यहाँ जारी किए गए हैं। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। 24/9/2021 के महत्वपूर्ण अपडेट्स की सभी PDF फाइलें टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी गई है, अतः वहां से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। अब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।